क्लासेस की एंड अभी मैं आपको ये यूट्यूब पे ही बैठ के बता रही हूँ. सो लाइफ हैज कम टू अ फुल सर्कल राइट. ये वीडियो मेनली होगा उन गर्ल्स के लिए जिन्हें पता नहीं होता कि यूजीसी नेट एग्जाम नाम की भी कोई चीज होती है जिसको क्वालिफाई करके आप खुद अपनी PhD यू नो कर सकती है अपने पैरों पे खड़े होके, बिकॉज गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है. आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि उन्हें पता नहीं होता है कि यूजीसी नेट अच्छा क्वालिफाई करके दे विल बी गेटिंग अ स्कॉलरशिप ऑफ अराउंड 35,000-36,000 जो कि आगे SRF में कन्वर्ट होती है एंड इट गोज अराउंड 42,000. सो आई एम रियली सरप्राइज बिकॉज मे बी बहुत ज्यादा लोगों के पास कैपेबिलिटी होती है एंड उनको पता नहीं होता है कि एग्जाम किस लिए होता है. तो उन गर्ल्स के लिए है स्पेशली ये वीडियो ताकि मेरी जर्नी एक मेरी स्टोरी सुन के उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिले, जो भी आप उसको कहें. एंड अगर उनके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि वो हाँ PhD कर सकती हैं, GRF का एग्जाम निकाल सकती हैं, वो जरूर निकाले. बिकॉज सी बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मैं उनकी स्टोरीज यहाँ पे ऑनलाइन नहीं बता सकती हूँ, जो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एंड दे डू नॉट हैव अ यू नो गुड करियर ऑप्शन. उनके अंदर शायद वो कैपेबिलिटी है बट उनको पता ही नहीं कि ये UGCET का एग्जाम एग्जिस्ट करता है एंड उसको आप क्वालिफाई करके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ना, आप अच्छे से PhD करके आगे प्रोफेसर बन सकते हैं. आई नो मैं जितना इजिली बता रहा हूँ उतना ईजी नहीं हो सकता है, बट जितनी भी लोग ट्राई करेंगे, जितनी भी गर्ल्स इस एग्जाम के लिए ट्राई करेंगी, एटलीस्ट कुछ तो इस फील्ड में जा सकती हैं, कुछ तो अपनी PhD यू नो कर सकती है बिना किसी की हेल्प के, स्कॉलरशिप के बेसिस पे जो गवर्नमेंट हमें देती है. सो या यही पूरा फोकस है इस वीडियो का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज मैं बोलना शुरू करती हूँ तो फिर रुकती नहीं है, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर बोरिंग हो जाती है, फिर मतलब लोग देखते नहीं है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं चाहती हूँ कि वीडियो शॉर्ट रहे. ओके, वेबसाइट के बारे में बताया, यूट्यूब चैनल आपने मेरा देखा और UGCET का एग्जाम मैंने 2-3 बार क्वालिफाई कर लिया. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बचपन का सपना नहीं था UGCET क्वालिफाई करने का. इवन टिल माई ग्रेजुएशन 3rd ईयर मुझे पता ही नहीं था इस एग्जाम के बारे में. सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने बचपन से सपना देखो मेरा तो यूट्यूब चैनल होगा, वेबसाइट होगी, ये होगा. नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये चीजें फिगर आउट की है राइट. एंड ये भी घर में कभी कोई ऐसा नहीं था कि हाँ जो एकदम से बता दे नहीं अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है, ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है ये. सो आई हैव टू सर्च आउट एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. इन यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. व्हेन यू आर अ चाइल्ड आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि ऑब्वियस होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर पेरेंट्स डू अंडरस्टैंड ओके यू हैव दिस कैपेबिलिटी एंड दे शुड लेट यू गो ऑन द पाथ यू चूज. सो मेरे पेरेंट्स ने भी समझा, उन्होंने पर उन्होंने कभी रिस्ट्रिक्शंस लाए तो मैं ये करना है, देवर लाइक कि जो पढ़ाई में अच्छा लगे, बिकॉज आई वाज अ स्टूडियस स्टूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो देवर लाइक कि तुम्हें जो करना है वो करो. एंड उन्होंने कभी इस बारे में कुछ नहीं बोला. एंड फिर जब उन्होंने देखा कि ओके आई हैव अ कैपेबिलिटी कि हाँ मैं यूट्यूब चैनल चला सकती हूँ, वेबसाइट, सो देवर वेरी ओके. सो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई दम है बंदे में या बंदी में जो भी है. सो या दैट वॉज द प्लस पॉइंट फॉर मी. तो ग्रेजुएशन तक मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा रही थी, बट हाँ ये बात मुझे पता चल गई थी कि भाई पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता है. अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी मैं चीजें पढ़ूं तो मेरे अंदर हाँ थोड़ा सा तो है कि मैं पढ़ के किसी को भी कोई नया टॉपिक भी पढ़ा सकती हूँ. सो दैट आई अंडरस्टूड अबाउट माई सेल्फ. एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस वर्क एनवायरमेंट में फिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक की प्रिपरेशन भी की थी. मैंने बोला ना ऐसा नहीं कि बचपन का सपना था UGCET क्वालिफाई करके प्रोफेसर बनने का, बट जब मैंने बैंक की प्रिपरेशन की मैंने ध्यान से देखा, आई वाज लाइक कि यार मैं नहीं बनी हूँ. नो ऑफेंस टू दोज हू वर्क इन बैंक्स, बट मैंने अपना देखा कि मैं एक जगह पर बैठ के शायद काम नहीं कर सकती, दैट इज नॉट मेंट फॉर मी. शायद वहां पर मेरी सैलरी अच्छी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बट दैट वॉन्ट सेटिस्फाई मी. एंड मेरे लिए ये यहाँ का पीस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो मैंने छोड़ दिया. मैंने प्री निकाला, मीन्स तो मैंने शायद दिया भी नहीं था, आई लेफ्ट इट. एंड धीरे धीरे यू नो फैमिली मेम्बर्स के थ्रू एंड थोड़ा ऑनलाइन सर्च करने के दौरान आई वॉज लाइक कि हाँ स्कूल में तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, बट आई वॉज लाइक कि मैं जो भी काम करूँ उसे मुझे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है. कोई भी काम हो, छोटा सा हो, बड़ा सा हो, इवन अब मैं कुछ DIY करती हूँ उसमें भी मैं चाहती हूँ कि वो एकदम परफेक्ट बने. सो ये तो मेरे करियर की बात थी. तो वॉज लाइक कि स्कूल लेवल पे तो नहीं पढ़ा है ना. अगेन नो ऑफेंस टू स्कूल में जो काम करते हैं उनके लिए, उन टीचर्स के लिए नो ऑफेंस,
बहुत रिस्पेक्ट है मेरी उनके लिए, बट आई वॉज लाइक कि अच्छा मैंने स्कूल में तो मैं पढ़ाई रहती, आई वॉज लाइक कि मुझे थोड़ा सा हायर पोजिशन पे जाना है. देन मैंने सर्च किया, थोड़े फैमिली मेंबर्स ने मुझे गाइड किया, एंड देन मुझे पता चला कि ओके यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है ना, ये तो श्योर हो गया था कि मुझे प्रोफेसर बनना है उसके लिए यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा. ये तो मुझे बाद में पता चला कि अच्छा स्कॉलरशिप भी मिलता है. आई वॉज लाइक ओके तो मतलब स्कॉलरशिप भी मिलेगी एंड मैं अपने मन का काम भी करूंगी, एंड इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है. नाउ हियर गर्ल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको भी कोई ऐसे आप बैठे रहोगे, कोई आपको आके बताएगा नहीं कि ये कर लो ये कर लो, वो वंस इन अ वाइल होता है. आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा भाई कि आपको क्या करना है. बिकॉज सी लोग कहते हैं कि अभी भी इफ आई टॉक अबाउट टीयर टू टीयर थ्री सिटीज, लोगों को नहीं पता है करियर ऑप्शंस के बारे में, एंड लोग यही समझते हैं कि अगर जॉब करनी है तो ही पढ़ाई करो वरना नहीं पढ़ाई करो, पढ़ने की क्या जरूरत है. अभी भी यस दिस थिंकिंग स्टिल एग्जिस्ट, बट शुरू से आई विल टॉक अबाउट माई फादर है, वो शुरू से कहते थे कि जॉब करनी या नहीं करनी वो तो बात की बात है, बट पढ़ना जरूरी है, एंड दिस इज वॉट ही टॉट टू मी. एंड इसलिए मतलब आपको आगे जॉब करनी हो नहीं करनी हो, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने आप यू नो यू डोंट नो हाउ लाइफ विल रोल इन द कमिंग ईयर्स, सो यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, यू नीड टू बी एजुकेटेड. तो एंड जब आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है पीएचडी करने के लिए, आई गेस दैट्स द परफेक्ट ऑप्शन. अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, कुछ करने में इंटरेस्ट है, राइट, तो आपको वो जरूर करना चाहिए. बिकॉज अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो मेहनत करिए, जेआरएफ क्वालिफाई करिए एंड पीएचडी करिए. एंड जब आपको कुछ एक मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है तो वो अपने आप एक मॉनेटरी सपोर्ट ही अपने आप एक मोटिवेशन होता है, राइट. सो ये सारी चीजें मुझे धीरे 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 पता चली. तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे अंदर वो मैं अपने अंदर जज्बा नहीं रखती या मेरे पापा मुझे मोटिवेट नहीं करते, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो शायद ये नहीं हो पाता. बट सारा कुछ सपोर्ट करें आपको एंड आपके अंदर वो उत्साह ही ना हो, वो खुशी ना हो, वो ललक ना हो काम करने की, देन ऑल थिंग्स आर वेस्ट, राइट. तो अपने अंदर वो रखें एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू विल हैव देन यूनिवर्स विल हेल्प यू. वो सारा कुछ आपके पास खुद ला के दे देगा. बट द कैच हियर इज दैट कि आपको खुद से करना पड़ेगा. वो बोलते हैं ना गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स. तो बहुत अभी भी मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, दे डोंट नो कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करके यू विल बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप एंड मे बी देन यू कैन लीव योर जॉब. वो ज्यादा हाइपिंग जॉब होगी तो भी, बट स्टिल यू गेट टू डू योर पीएचडी. कुछ नहीं से तो थोड़ी सी स्कॉलरशिप है, यहाँ पे थोड़ी भी नहीं काफी ज्यादा अमाउंट की स्कॉलरशिप है, तो वो आपको हेल्प करती है. सो व्हाई नॉट. मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, लेडीज हैं जो उनकी शादी हो जाती है, देन बेबी हो जाता है, एंड देन दे थिंक लाइक यार मैं अब क्या करूं, मेरे पास क्या करियर ऑप्शन है, दे कैन नॉट गो फॉर 9 to 5 जॉब. तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा करियर ऑप्शन है कि आप अगर आपकी एज लिमिट है वुमेन के लिए तो 35 ईयर्स तक है, आप दे सकते हो यूजीसी नेट, आप उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करिए एंड देन आप पीएचडी करिए. तो क्या होता है कि जब आप खुद के लिए काम करते हैं तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा भी काम करोगे तो यू डोंट माइंड. व्हेन यू वर्क फॉर समवन एल्स देन वाज लाइक 2 घंटे ज्यादा हो गए, अब तो मैं नहीं करूंगी, मैं 2 घंटा कम ही करूंगी, ऐसे वाला हो जाता है. तो टचवुड ऐसा मेरे साथ नहीं है क्योंकि यहाँ पे आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, आई एम वर्किंग फॉर नो वन एल्स, एंड उसमें भी मेरे को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे रही है, देन व्हाई नॉट. एंड ऊपर से ऐसा नहीं कि कोई मुझसे जबरदस्ती करवा रहा है कि नहीं तुम लड़की हो तुमको टीचिंग में जाना है तो तुमको ये करना पड़ेगा. नो, इट्स लाइक कि मुझे पसंद है टीचिंग करना, सो इट्स लाइक दैट. एंड ऐसा करियर ऑप्शन है इवन जब आपकी शादी भी हो जाए, यू बिकम अ मदर, आप ये कर सकते हो बिकॉज इट्स अ टीचिंग जॉब. एंड इसलिए बोलते हैं कि टीचिंग बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज इट्स अ हाफ डे जॉब, मोस्टली इट्स अ हाफ डे जॉब, एंड यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, बट इट्स ऑल वर्थ इट, राइट. सो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, आई गेट लॉस्ट इन ऑल दीज थिंग्स. कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो मुझे ये पता चल गया था कि भाई प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना है, यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, एंड मैंने अपना फर्स्ट ईयर क्लियर किया, रिजल्ट भी नहीं आए थे, एंड आई वेंट टू कानपुर फॉर कोचिंग. मैंने सब कुछ पता लगाया, मैं कानपुर गई कोचिंग करने गई वहां पे. सो यू कैन सी कि मेरा इग्नू से मैं कर रही थी, मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट भी नहीं था, एंड आई एनरोल्ड माइसेल्फ इनटू अ कोचिंग क्योंकि कुछ पता तो था नहीं इग्नू से करने, प्रोफेसर का आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं, ना आपका कॉन्टैक्ट प्रोफेसर के साथ, सो आपको खुद ही सब कुछ करना है, राइट. तो मैं शुरू से ही आई वॉज ऑन सेल्फ स्टडी, सो वो मेरे को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि पढ़ाई ना पढ़ाए मैं खुद से पढ़ लेती थी, सो ऐसा सीन था. देन फिर क्या हुआ कि मैंने प्रिपरेशन शुरू की, एंड मैंने वीडियो में बताया ड्यू टू सम रीजंस आई हैड टू लीव माय कोचिंग इन कानपुर, मैं खुद से, एंड आई वाज लाइक शैटर्ड, लाइक लिटरली शैटर्ड, बिकॉज इट्स लाइक कि मैंने अपने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई नेट तो निकालना है, यूजीसी नेट तो निकालना ही है, वो नवंबर 2017 वाले अटेंड में अगर नहीं निकले तो मैं एग्जाम छूंगी नहीं, बिकॉज आई वॉज लाइक जो करना है फर्स्ट को भी करना है, ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता, बट आई वॉज दैट पर्सन. सो
मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। एंड जब भी कुछ यू नो प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ चीज़ों की वजह से ये पीस ऑफ माइंड चला जाता है, आपका पीस ऑफ माइंड चला जाता है, राइट। तो फिर लगता है कि यार भगवान क्या चाह रहे हैं, नहीं करना है क्या मुझको। बट अभी मैं देखती हूँ वापस उस टाइम को, तो आई वॉज लाइक कि भगवान टेस्ट कर रहे थे कि लड़के के अंदर दम है या नहीं, कि थोड़ी सी आंधी सी लड़की अपना सब कुछ छोड़ के एकदम बैठ जाएगी। सो आई वॉज लाइक कि नो। मैंने यूट्यूब देखा, क्लासेस की, मतलब यूट्यूब पे ही क्लासेस की, एंड अभी मैं आपको यूट्यूब पे ही बैठ के बता रही हूँ। सो लाइफ हैज कम टू अ फुल सर्कल, राइट। तो बट मेरे अंदर वो था कि नहीं, करना है करना है करना है, क्वालिफाई करना ही करना है। एंड वो जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन थी, वो मेरे अंदर का बेस्ट बाहर लेके आई। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दो सिचुएशंस, बिकॉज अगर वो नहीं होती तो मैं अपने आपको बहुत ज्यादा पुश नहीं करती इतनी ज्यादा आगे। बस लाइक लाइफ चल रही है, हो रहा है, सब ऐसा होता। देन नवंबर में मैंने अपने एग्जाम क्वालिफाई किया, एंड फिर जेआईएफ का तो तब उतना आइडिया नहीं था, कि फिर धीरे धीरे पता चला कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं, जेआईएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर धीरे धीरे मैंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, ऑनलाइन क्लासेस मैंने शुरू की, बिकॉज आई वॉज नेट क्वालिफाइड। एंड वॉट आई बिलीव इज सर्टिफिकेट देखिए होना जरूरी है, बिकॉज यू आर ऑन इंटरनेट, कोई भी आपको आके मुंह पे कह देगा कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, तुमको क्या आता है। भले ही आपको आपने वो एग्जाम नहीं क्वालिफाई, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आईएएस एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं एंड दे आर वेरी गुड एट टीचिंग। सो स्किल सबकी अलग अलग होती है, बट आई वॉज लाइक कि नहीं क्वालिफाई कर ले तब पढ़ाते, इतनी भी जल्दी नहीं है। देन मैंने अपने नेट क्वालिफाई किया, मैंने ऑनलाइन क्लासेस अपनी शुरू की। देन जुलाई में मेरा एक क्वेश्चन से 2 मार्क्स, एंड मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स होते, एक क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रह गया। आई वॉज लाइक अब तो हम नहीं देंगे, मतलब देंगे ही नहीं, मतलब जेआरएफ हो जाए ना यार, मैं 2 बार एग्जाम्स दे चुकी हूँ, ये जेआरएफ एक क्वेश्चन से रह गया, ये क्या बात हुई। एंड आई वॉज लाइक, मैंने अपने आपको समझाया कि नहीं यार स्कॉलरशिप तो चाहिए, मैंने फिर पीएचडी कैसे होगी। देन आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है। फिर मैंने यू नो बार बार उन चीजों को पढ़ना, आई नो इट्स टफ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज आई वॉन्टेड दैट स्कॉलरशिप। मेरे दिमाग में क्लियर हो गया था कि नहीं मुझे स्कॉलरशिप तो चाहिए, बिकॉज उस मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती, मैं कॉन्फ्रेंस में जा सकती थी, पेपर्स ले सकती थी, बुक्स खरीद सकती थी, सारा कुछ की वो यू नो फ्रीडम थी, हो जाती मुझे तब। देन वो बार बार चीजों को पढ़ना थोड़ा सा टफ था, बट सिंस क्लासेस थी, मैं खुद भी पढ़ी थी, आई क्वालिफाइड इन दिसंबर 2018। एंड खुशी नहीं थी, जो भी जेआरएफ वाले बच्चे देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मतलब खुशी ही नहीं, खुशी की सीमा नहीं होती है आपके नजर, लाइक ओके मैंने नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है, एंड बहुत उस टाइम बहुत खुशी हुई थी। बट मतलब पता नहीं था कि उसके बाद भी इतनी स्ट्रगल होगी, स्ट्रगल मतलब कि पीएचडी में एडमिशन लेने की, मतलब कि अब तो हम जेआरएफ दुनिया पे एकदम विजय प्राप्त कर ली है। एंड यस, जब मैंने जुलाई 2018 में मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया, लटका ही अप्लाई टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, मतलब लाइक कि अब क्या करें, मतलब कि उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने सोचा शायद जेआरएफ वाले को कर लेते होंगे। बट बहुत ज्यादा टफ होता है ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाके एडमिशन लेना, बिकॉज सीट 10-12 होती है, उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होती है, एंड इट्स रियली वेरी टफ। जो लोग बताते हैं ना कि प्राइवेट में ले लिया, कहीं और नहीं मिला होगा, वो सिर्फ बोल ही पाते हैं, जब आप करेंगे ना तब आपको पता चलेगा यू नो क्या पॉलिटिक्स चलती है, क्या यहाँ पे सीन होता है। जब आप अंदर तक सिस्टम में जाएंगे यू नो बहुत सारे सिस्टम में कुछ ना कुछ यू नो खराबी होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, बट जब वो खराबी आपको थोड़ा सा पिंच करती है ना, देन यू फील अच्छा फिर ऐसे नहीं, आप कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी फाइटर क्यों ना हो, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द सिस्टम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करेंगे, देन यू हैव टू यू नो लेट गो योर एम्बिशंस एस्पिरेशंस, एंड आपको वो सिस्टम को फाइट ही करना पड़ेगा, उसमें सारा टाइम निकल जाएगा। एंड ऑब्वियसली आई कुड नॉट अफोर्ड दैट, सो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, बीएचयू में अप्लाई किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, सारी स्टडीज मैंने कुछ कुछ वीडियोज में बताई है, यू कैन सी इट, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नहीं हुआ एडमिशन, एंड आई वॉज लाइक कि 3 बार नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ भी हो गया, एडमिशन नहीं हो रहे, व्हाट द हेल इज दिस, मतलब कि अभी भी मतलब जेआरएफ के बाद भी मुझे परीक्षाएं देनी पड़ेगी ऐसी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी होती है, मतलब आप देख रहे हो कि इग्नू से किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ इतना ज्यादा इंटरेक्शन प्रोफेसर्स टीचर्स के साथ था नहीं, कोई इतना गाइड करने वाला नहीं था, सो आप कुछ भी कह सकते हो, मुझे नहीं आइडिया था। नाउ हियर आई वुड लाइक टू थैंक इतन प्रीत, वो मेरे साथ कानपुर वाली कोचिंग में पढ़ती थी, एंड शी टोल्ड मी अबाउट अमिटी यूनिवर्सिटी। तो आई वॉज लाइक अच्छा अमिटी यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी कर सकते, आई वॉज लाइक दैट, बिकॉज मुझे नहीं पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन मैंने सर्च मारना शुरू किया, तो मुझे पता चला अच्छा नोएडा में कैंपस है, लखनऊ में कैंपस है, लखनऊ वाला कैंपस मेरे बहुत ज्यादा पास था, सो मैंने अपने घर पर डिसाइड किया, आई वॉज लाइक कि यहीं पे पास है तो यहीं पे जाके देखते हैं, लखनऊ वाले कैंपस में जाके देखते हैं। यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जेआरएफ मिलेगा या नहीं।
मैं गई यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे प्रोफेसर ने मुझे श्योर किया कि नहीं आपको JRF मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड दिस इज हाउ, मतलब वो बोलते ना कि आपको PhD में एडमिशन चाहिए था, तो इतन प्रीत हेल्प मी इन सीकिंग एडमिशन, उसने मुझे सजेस्ट किया. तो आप कह सकते हैं यूनिवर्स कंस्पायर्स टू ब्रिंग थिंग्स यू वॉन्ट, राइट? सो एंड थिंग्स यू नीड. तो फिर मुझे एडमिशन के बारे में पता चला, मतलब मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला. एंड फिर मैं गई वहां पे, मैंने सब देखा. फीस वॉज थोड़ा सा हाई, बट नाउ आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल. आई वॉज लाइक इफ आई विल बी गेटिंग माई स्कॉलरशिप देन नो मैटर, थोड़ी सी फीस ज्यादा भी है आई विल बी एबल टू पे इट बिकॉज मेरी स्कॉलरशिप आ रही है. अब आपको स्कॉलरशिप ही आए एंड आप एडमिशन ना ले पाए, आपका JRF एक्सपायर हो जाए तो भी क्या ही मतलब है. एंड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर दे वर वेरी गुड, एंड मेरे प्रोफेसर टचवुड इज वेरी गुड, ही इज वेरी सपोर्टिव. एंड जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं गाइड अच्छे नहीं है, मुझे ये नहीं बताते वो नहीं बताते, टचवुड मेरे साथ ऐसा कुछ भी सीन नहीं है. तो गाइड मुझे अच्छे मिले. आई जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी वहां पे गई वो प्राइवेट था तो मैंने ऐसे ही एडमिशन ले लिया, नो. तब मुझे इतना भी ज्यादा पता नहीं था, बट आई वॉज, एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पता थी वो ये थी कि गाइड अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके ये तो देख लिया था कि PhD इज बिटवीन यू एंड योर गाइड, यूनिवर्सिटी वर्क एट द बैक एंड. तो ऐसा नहीं था कि मुझे आमिटी यूनिवर्सिटी दिखी एंड वहां पे मेरा एडमिशन होगा तो मैंने आग बंद करके ले ली, नो. वहां पे मैंने फिर मैंने अपने गाइड से मिली मैं पहले, एंड मुझे लगा कि हाँ मैं इनके अंदर PhD कर सकती हूँ, ये मुझे अच्छे से PhD करवाएंगे, यस ही इज अ फादरली फिगर. तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे मैं कंफर्टेबल रहूंगी PhD करने में. सो ऐसा नहीं था कि नाम देख के वहां पे मुझे एडमिशन मिल जाएगा तो मैंने अंदर बन के PhD ले ली, नहीं. यहाँ पे मेरी गाइड प्रेफरेंस थी, एंड ट्रस्ट में अगर यहाँ पे मुझे गाइड अच्छे नहीं मिलते मैं PhD में एडमिशन नहीं लेती, मैं कहीं और ऑप्शन देखती. बट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने हेल्प किया एंड मुझे इतने अच्छे गाइड मिले एंड PhD में मेरा एडमिशन हुआ. एंड जुलाई 2019 से मेरा PhD में एडमिशन हुआ, अभी 2 साल होने को है. एंड टचवुड PhD इज गोइंग स्मूथ, अच्छे से चल रही है. स्कॉलरशिप लोग बोलते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं आती, बट आती है स्कॉलरशिप अगर वो UGC से रिकॉग्नाइज हो. NAMTI इज रिकॉग्नाइज बाई UGC. बहुत सारे बच्चे मेरे अगले बैचेस में जो आए दे आर JRF. जब मैं गई थी मैं वहां पे पहली JRF, तब तो बहुत सारे बच्चे वहां से JRF करते हैं, वो मेरी वीडियोस देख के एडमिशन लेते हैं NAMTI में. सो दैट इज व्हाट समथिंग, बिकॉज लोगों को नहीं पता होता है. सी देखिए, बहुत सारे लोग PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग JRF क्वालिफाई करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सब IIT IIM सेंट्रल स्टेट में नहीं जा सकते हैं, राइट? तो बस वही है कि आप अंधे बन के मत जाइए अपने PhD के लिए. गाइड से पहले मिलिए, अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल है, गाइड बहुत ज्यादा अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं, तभी आप उनके अंडर PhD करिए, तभी आप यूनिवर्सिटी चूज करिए, राइट? सो इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मेरी सारी मेहनत सफोली, सब कुछ अच्छे से हुआ. अब धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल धीरे धीरे बढ़ा, क्योंकि ये सब कुछ मैं अकेले करती हूँ, मैं कहीं प्रमोशन वमोशन नहीं करती, मैं उठा के सीधा वीडियो यूट्यूब पर डाल देती हूँ, वैसे ही होता है. एंड इवन माई कोर्स मैं वीडियोज में ही उसको प्रमोट करती हूँ अपने कोर्स को, एंड जिन बच्चों को मेरे साथ रिलेशन फील होता है वो मेरे से रिलेट कर पाते हैं वो कोर्स में एनरोल करते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई वांट. सो ओवर अ पीरियड ऑफ मेरा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाना मैंने नहीं छोड़ा, फिर मैं अपने साथ में PhD भी कर रही हूँ. फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि हाँ अब मेरा कोर्स इस पोजीशन पे है कि मैं उसको वेबसाइट के थ्रू लॉन्च कर सकती हूँ. पहले मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू चला है, फिर सीधा वेबसाइट है. ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बनाया तो ये बैकग्राउंड आ गया, ये पीछे मॉनिटर आ गया, एंड बोलने की अक्कल आ गई. धीरे धीरे इंसान सीखता है, बट अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप वहीं रहेंगे जहाँ पे आप पहले थे. तो वही सारी मोटिवेशन कोर्स अप्लाई होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू डू नॉट हैव टू स्टॉप ट्राइंग, है ना? फिर वही मैंने बोला ना कि व्हाट्सएप से टेलीग्राम से फिर वेबसाइट आई. अब इसके बाद शायद कोई और अच्छा प्लेटफॉर्म मैं चूज करूंगी डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ माई कोर्स एंड माई सेल्फ. फिर मेरी PhD भी चल रही है साथ में. सो इट्स लाइक कि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आप मुझे आपने शुरू से देखा हो या अभी आप देख रहे हो, सो इट्स नॉट लाइक कि हाँ जो मैंने चाहा वो मैंने हासिल कर लिया एकदम ऐसे चुटकी पे जाके. नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, सबको मेहनत करनी पड़ती है. ऐसा नहीं था कि एकदम सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, बट जितने अवेलेबल थे मैंने उसका मैक्सिमम यूज किया. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. नो, ये फिलोसफिकल बात लगेगी, बट आई ट्रूली बिलीव जो यूट्यूब पे लोग बोलते हैं वो सही बोलते हैं, कि उनको लगता है वो एक जर्नी पार कर. एंड मैं अपनी इतना बड़ा वीडियो बनाया, अगर मैंने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की होती तो मैं नहीं बोल पाती. मैं कितनी भी अच्छी ओरेटर होती, लोग नहीं बोल पाते उन्होंने जो चीज एक्सपीरियंस नहीं की होती है. सो ये अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये सच है. एंड मैं ये कर सकती हूँ तो आपके इवेंचुअली अगर पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते तो वो करेंगे. आपको प्रूव करना पड़ेगा, राइट? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, देन आपको अपनी रिसर्च में अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, एडमिशन लेना पड़ेगा. ऐसी स्कॉलरशिप नहीं मिल जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बट यस,
अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं देन इट्स वेरी गुड, आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप चैनल खोलें, वेबसाइट लॉन्च करें, आप कुछ भी अपने मन का कर सकते हैं। ये मैं सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, आपको शायद कुछ और पसंद हो सकता है, बट द कैच हियर इज दैट कि आपको पता होना चाहिए ना कि आपको क्या करना है, राइट। तो इस एग्जाम को आप समझिए कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम अगर JRF क्वालिफाई करते हैं देन आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है 35-36 हजार की, राइट, जो कि SRF में कन्वर्ट हो जाती है 2 साल बाद 40-42 हजार रुपए मिलने लगते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को ये नहीं बात पता होती है एंड वो कुछ और करियर ऑप्शंस ढूंढते हैं, वो अपनी घिसी पिटी जॉब्स में रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि PhD के दौरान भी पैसा मिलता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इस वीडियो को देख के आपको पता लगा होगा, या प्लीज कहीं से भी पता करिए, पता करिए कि ये भी करियर ऑप्शन है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप नेट JRF के लिए प्रिपेयर ही करना मोटिवेट हो गए देन यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन कोर्सेज फॉर Paper 1, Paper 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आपका Paper 2 का सब्जेक्ट कॉमर्स है या मैनेजमेंट है या कोई और भी सब्जेक्ट है, Paper 1 तो सब में कॉमन ही होता है, तो आप Paper 1 का ज्वाइन कर सकते हैं या कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी या यू कैन विजिट अवर वेबसाइट niharkajaiswal.com और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 7395-5509। हमारे ऑनलाइन कोर्स में वी प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, PDF नोट्स, स्ट्रेटजी वीडियोज एंड शॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, एवरीथिंग दैट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू अ ऑनलाइन कोर्स, वी ऑल प्रोवाइड दैट। आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला, ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो अपने विचार कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, नमस्ते।